Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल के फिजिक्स के लेक्चर में हमने कन्वर्जन सीखे थे. कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, तो आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं दोबारा कन्वर्जन के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा. तो देखें, सबसे पहले तो जो आपके पास मास का कन्वर्जन है उसके हिसाब से एक चीज समझ लें कि आपके पास सबसे पहले क्या आता है, किलोग्राम, फिर आता है ग्राम, फिर मिलीग्राम और माइक्रोग्राम. ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा किलोग्राम है, फिर ग्राम है, फिर मिलीग्राम है, फिर माइक्रोग्राम है. अब आप ये देखें, जब आपके पास एक चीज ये समझ लें आप कि जब भी आपके पास बड़े से छोटे की तरफ जाएगी, किलोग्राम से ग्राम जाएगा तो क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है, किलोग्राम से ग्राम में जा रहा होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम से मिलीग्राम में जा रहा होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में जा रहा होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में जा रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे, 1/1000 से. ठीक, इस तरह से अगर किलोग्राम से ग्राम में जा रहा है तो 1000 से, अगर ग्राम से मिलीग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई, और अगर मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में जा रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई. लेकिन अगर रिवर्स चल रहा है कि माइक्रोग्राम से ग्राम में मिलीग्राम में गया तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये इसी तरह से मिलीग्राम से ग्राम में जा रहा है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम से किलोग्राम में जा रहा है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखते हैं, पहले देखते हैं कि इस तरह इस वाले केसेस को देखते हैं, ये किस तरह से हो रहा है. ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. अब अगर मैं देता हूं किसी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दे रहा हूं ग्राम में चेंज करने के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया तरीका, किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी दी गई है 7.5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 1000 से. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 7500 ग्राम्स. हाईएस्ट स्टूडेंट समझ में, किलोग्राम से ग्राम में गए तो 7500 ग्राम आंसर आया. अब इसी तरह से अगर मैं ये करूं कि इस ग्राम को मैं अगर मिलीग्राम में चेंज करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं आप इस चार्ट को देखें तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सॉरी 7500 है ये. ठीक है, 7500 मिलीग्राम को मुझे ग्राम में चेंज कर, मिली सॉरी 7500 ग्राम को मुझे मिलीग्राम में चेंज करना है. 7500 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स. ठीक है, तो अब ग्राम से मिलीग्राम में चेंज कर रहा हूं, क्या वही तरीका कि स्टेप वाइज चलेंगे, ग्राम से मिलीग्राम में जाने तो 1000 से मल्टीप्लाई, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में जाने 1000 से मल्टीप्लाई. 7500 ग्राम इज इक्वल टू 7500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1000 से. ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मिलीग्राम में आंसर आ जाएगा. ये क्या बन जाएगा, 7500 मिलीग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्या है, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, उसी नंबर को ले लेते हैं,
कितने ग्राम में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें? बताइए क्या करना पड़ेगा जी स्टूडेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में चेंज करने के लिए? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मिलीग्राम में दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 1000 से। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? 75000 और ये वाले 0 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास माइक्रोग्राम 75 लैक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? ये मिलीग्राम, ये माइक्रोग्राम कन्वर्ट हो गया। अब किलोग्राम से ग्राम में जा रहे थे, ग्राम से मिलीग्राम में जा रहे थे, अब हम करते हैं क्या रिवर्स प्रोसेस, के माइक्रोग्राम से चलते हैं, माइक्रोग्राम से चलते हैं मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल माइक्रोग्राम ले लेते हैं, ये था माइक्रोग्राम। अब इसको किस में चेंज कर रहे हैं? मिलीग्राम में। तो मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। 1/1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये क्या हुआ? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये 1000 इसके। अब आप देखें जीरो से जीरो कैंसिल हो रहे होंगे, 3 0 कैंसिल और यहां से 3 0 कैंसिल, ये क्या बच गया आपके पास? आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5,50,000। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये आपके पास मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से बाकी ये कन्वर्जेंस भी होंगे कि अगर माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में जाएगा तो क्या होगा? अभी बताया मैंने आपको, मिलीग्राम से ग्राम में जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 1/1000 होगा, ग्राम से किलोग्राम में जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, आप उनको सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।